भारत माता की जय। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भर्ती हो, अगर बच्चा हमारे पास है तो रेस क्लियर होगी। सबसे पहले बताते हैं आपको जसन के बारे में। जसन जब आया था तो बहुत मोटा था जसन, लेकिन उस बंदे ने 7 से 8 महीने लगातार मेहनत की और मेहनत करने के बाद में पहली भर्ती देखी, उसमें रेस कंप्लीट हुई, लेकिन उसमें बीम में रह गया। लेकिन आज फिर दोबारा जसन ने रेस क्लियर की है और वहां पे बीम भी लगाई है। जसन के लिए जोरदार तालियां, और वो भी मात्र एकेडमी में वापस 10 से 15 दिन रह के उसने ये तैयारी की है। दूसरा है कोटा एआरओ की जो भर्ती चल रही है, वहां पे दोसा से राहुल, जिसका टाइम आता था 5:06:55। तीसरा है आकाश यादव, जिसने की लखनऊ में रेस मारी है, उसका टाइम आता था 5:15 और उसने एक्सीलेंट मारी है, मात्र 1 महीने यहाँ तैयारी करके गया था। चौथा कौन है? अमित सिंह, इसने भी लखनऊ जो भर्ती चल रही है उसके अंदर एक्सीलेंट मारी है, जिसे पहलवान के नाम से एकेडमी में जाना जाता था, उसके लिए भी जोरदार तालियां। और जो लास्ट बच्चा है विपिन, उसकी कोरोना काल के बाद में अब तक की ये 10वीं भर्ती या 11वीं भर्ती होगी, जिसमें उसने फिर से लखनऊ में जो एमसी सेंटर लखनऊ है वहां पे एक्सीलेंट मारी है, उसके लिए भी जोरदार तालियां। तो सीधी बात यह है कि रिजल्ट मायने रखता है, आप कहीं भी मेहनत करते हो, और रिजल्ट हमेशा आपका अव्वल रहना चाहिए। आपका पहला और आखिरी टारगेट क्या होना चाहिए रे? रिजल्ट। कितने लठ पड़े हैं आज आपको? सबको पड़े हैं लठ, कोई बचा है क्या? तो ये लठ में ही पावर है। एक चीज बताते हैं आपको, अगर अरे घोड़ों की रेस देखी है तुमने? घोड़े को उसका मालिक ट्रेनिंग में भी बहुत मारता है, और जिस दिन रेस होती है उस दिन उसको खुला छोड़ता है ना, ऊपर बैठ गए सिर्फ इशारा ही करता है, मारता नहीं है। तो वो घोड़े को इसलिए नहीं मार रहा कि उसकी दुश्मनी है, उसका मालिक चाहता है कि उसका घोड़ा फर्स्ट आए। तो बात आ रही है समझ में? तो किसी को ज्यादा भी लग जाए लठ तो घबराना मत, लठ इसलिए है कि तुम में क्या हो सके, सुधार हो सके और तुम्हारी रेस क्लियर हो और तुम्हारा भी वीडियो में नाम आए। सही है? चलो अपने आप के लिए तालियां बजाओ, जो भी लठ पड़े हैं उनके लिए। खड़े जाओ मुंडे गांव की तरफ। मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए, मेहनत करने वाला बच्चा हो तो रिजल्ट 100% मिलता है, लेकिन अगर दिल में है ही नहीं मेहनत करने का, सिर्फ सोना बाबू जानू बाबू से बातें करनी है, ख्याली सपने देखने हैं कि बोरी भर के पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उनसे कुछ नहीं होता, ग्राउंड पे तपना पड़ता है। भारत माता की जय। आवाज नहीं आई रे, दम नहीं है क्या? मुंडी इधर करो। वंदे मातरम। चलो जाओ, आज की छुट्टी है, भागो।